Dear students, today I am going to teach you a very peculiar type of subject that is fingers. As you know, you have fingers in your hand and also fingers in your foot. You can see the fingers, it can be divided into two parts, hind fingers and foot fingers. Hand fingers, they are one thumb, one index, one middle, one ring, and one little finger. In the foot fingers, there is big toe one and small toe four. You can see here in the diagrams. This is your hand. This is the thumb. If you make your hand like this, like this. यू कैन सी दिस इज द थम्ब थम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट फिंगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं तो अंगूठी का निशान लगाते हैं इसको हिंदी में अंगूठा कहते हैं इंग्लिश में थम्ब कहते हैं नाओ दिस इज द फिंगर ये फिंगर इसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर क्यों कहते हैं कोई चीज़ आपको दिखानी हो कि ये पैर है दिस इज ए फुट दिस इज नेल तो आप इसी उंगली से जो है उसको इंडिकेट करते हैं इसलिए इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं अब आप देखिए दो फिंगर इधर और दो फिंगर इधर बीच में ये है मिडिल में तो इसका नाम हो गया मिडल फिंगर मिडल फिंगर नाउ नेक्स्ट वन इज द फिंगर जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं रिंग सेरेमनी होती है तो रिंग आप इसी फिंगर में पहनते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर ये फिंगर आप देखिए सारी फिंगरों से सबसे छोटी है इसलिए इसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर इसी तरह से ये पाम है रिस्ट है कलाई है दिस इज द फुट फुट में एक अंगूठा होता है जिसको हम कहते हैं टो और चार जो हैं इसमें स्मॉल इस टोज होती हैं ये लेसन से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू में गए और मेरा जैसा आदमी कोई बैठा हुआ है आपका इंटरव्यू लेने वाला वो पूछ सकता है आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है आप कहेंगे हुई है पूछेगा रिंग सेरेमनी हुई थी कहें हाँ हुई थी बोले अंगूठी जो है आपको किस फिंगर में पहनाई गई थी उसका नाम बता सकते हैं तो एक चीज़ वहाँ काम आ सकती है किसी भी कंपटीशन में जाएँगे कहीं भी जाएंगे जानकारी होनी चाहिए अगर मेरे बॉडी का पार्ट है उसका क्या नाम है ये आपको मालूम होना चाहिए इसीलिए हम फिंगर्स के बारे में आपको बता रहे हैं इसको याद रखिए और जो भी आपसे मिले उनको आप बताते भी रहिए थैंक यू